आप उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हैं, आप बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और वहाँ के जाड़े में आप गर्मी भी पैदा कर रहे हैं अपने सियासी वक्तव्य से, लेकिन आपके एक जोरदार एक आरोप लग रहा है जो काफी पहले से लग रहा है, लेकिन इधर भी कुछ ज्यादा आपके आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी को जिताने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए, जिंदगी में मेरे को कोई चीज आती है तो मेहनत करना आता है। मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है। अब अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं उसमें। अब जिताना हराना तो जनता का काम है, और अल्लाह जिसके मुकद्दर में कामयाबी लिखा हो कामयाब होगा। अब हम क्या लोकसभा का चुनाव लड़े थे, फिर भी बीजेपी जीत गई, राहुल गांधी हार गए। 300 सीट पे बीजेपी आई, हम तो सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े और कहीं पर भी बीजेपी कामयाब नहीं हुई 3 पर हमारे लड़ने की वजह से। तो ये इल्जाम बेबुनियाद है। इल्जाम तो लगते रहेंगे, बड़े बड़े अंबियाओं पर, रसूलों पर, बुजुर्गों पर, औलिया अल्लाह पर इल्जाम लगे 10 दिनों से, क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम है मेहनत करना, अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए काम करूंगा। और इलेक्शन जो लड़ा जाता है तो आप किसी को जिताने के लिए, खुद को हराने के लिए नहीं लड़ते इलेक्शन, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हम मेहनत करेंगे, इल्जाम लगता है लगने दीजिए। इसका मतलब यह है कि अब सबको अंदाजा हो रहा है कि MIM पार्टी का मौका बड़ा स्ट्रांग है, और ये देख रहे हैं कि कितना आवाम का अजदहाम है, कितना स्पॉन्टेनियस लोग आते हैं। और हमारे पास, हमारे पब्लिक मीटिंग्स में लोगों को पकड़ पकड़ कर लाया नहीं जाता है, मोबालाइज नहीं किया जाता है, तो खुद मोहब्बत से आते हैं। देखिए फिरोजाबाद में क्या हाल था, फिरोजाबाद में तो पूरा फिरोजाबाद उमन उमन पड़ा शहर पूरा उस पब्लिक मीटिंग में। 70 रुपए के बीच में आपको लेकर प्रोवाइड कराएं, तो वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास को सबको पिलाओ, वही पॉलिसी चल रही है। यानी शराब पिलाएंगे, एक आदमी बोलता है शराब पिलाएंगे, केरल का आदमी कहता था कि आपको बीफ खिलाएंगे। यही इनका हिपोक्रेसी है ना, कि कुछ भी करेंगे सत्ता के लिए, शराब भी पिलाएंगे, बीफ भी खिला देंगे, जो बोले कर देंगे, बस सत्ता चाहिए लोगों को। कोई मॉरल्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। देखिए जहां इनको सूट करता है वही करते हैं। केरल में इनका एक प्रेसिडेंट कहा था कि आपको बीफ देंगे इलेक्शन में, याद होगा आपको, और अब ये कह रहे हैं कि शराब दे देंगे। तो इनका कोई, इनके पास कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। अब एक नया ऐलान कर दिए, शराब फ्री में पिला देंगे। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम आप सबको दूध पिलाएंगे फ्री में, हम बच्चों को उनके न्यूट्रिशन का इंतजाम करेंगे। ये शराब से बड़ी मोहब्बत होगी बीजेपी वालों को, बहुत ज्यादा मोहब्बत नजर आ रही शराब से। ऐसा लग रहा है कि अंगूर की बेटी से निकाह कर चुके हैं लोग। नहीं, 19 सीट लड़े थे जिसमें से हम 5 सीट पर कामयाबी हासिल किए, 9 पर महागठबंधन जीते हमारे खिलाफ में, और 6 पर NDA ने कामयाबी हासिल की। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं? अब देखिए ना, मैं हथेली की लकीरों को देखकर बोलने वाला तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना सितारों को देखकर देखने को बोलने का इल्म है। हाँ, मेहनत करना मेरे हाथ में है, मेहनत हमारे पूरे पार्टी के लोग कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से बनिस्बत MIM का बेहतर परफॉर्मेंस होगा। और हमको उम्मीद है अल्लाह से और उत्तर प्रदेश की जनता से कि वो अपने दुआओं से, अपने वोटों से नवाज कर MIM के उम्मीदवारों को कामयाब करेगा। कितने सीट सर? 100 सीट पर तो शौकत साहब प्रेसिडेंट ऐलान किए हमारे कि हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े पार्टी ऐलान नहीं करे, अब हमारे से पूछ रहे हैं, बीजेपी रूलिंग पार्टी उनसे पूछ लीजिए, 300 में कितनों को ड्रॉप करेंगे, 100 को करेंगे, 50 को करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो पुराने मुस्लिम लीडर हैं, कुछ मौलाना हैं, उनको आपकी उत्तर प्रदेश में जो आपकी आमद हुई है उससे बड़ी तकलीफ हो रही है, क्या कहना है? नहीं, मैं उनकी तमाम की इज्जत करता हूँ, और उनको तकलीफ हो रही है तो मेरे पास उनकी तकलीफ की दवा है, वो मुझसे राब्ता कर ले, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी अगर मुझसे मुलाकात करेंगे। मगर उनको ये देखना है कि जयंत चौधरी के स्टेज पर 10 साल का जमीरुल्लाह एक MLA है, उसको आप धकेल देते हैं,
कई ऐसे वीडियोज आ रहे कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं समाजवादी के, उनको पीछे बिठाया जाता है। ये क्यों हो रहा है? हम तो ये बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई MIM पार्टी लड़ रही है, आप हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे काम करेंगे। अब बहुत आपने साथ दिया, आप देखिए कितने सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ठाकुर सम्मेलन होता है। अरे भाई, मुसलमानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में, उनके वोट की वैल्यू की अहमियत नहीं रही। तो इसलिए हम इन तमाम बुजुर्गों से अपील कर रहे हैं कि इन नौजवानों की सरपरस्ती करिए बाप। ये जो नौजवान जो दौड़ रहा है हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, आप उन नौजवानों की सरपरस्ती करिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए आशीर्वाद करिए, और यकीनन आपको जो तकलीफ हो रही है मेरे पास उसका इलाज है, मेरे से मुलाकात करिए। सर, कांग्रेस मतलब सपोर्ट करना, योगी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, कांग्रेस सत्ता में है जब हिंदू संगठन के लोगों को टारगेट करके मालेगांव ब्लास्ट में फंसाना, और जब ऑपोजिशन में है विरोध करना, ये योगी जी का स्टेटमेंट था। इस पे आप देखिए, चाहे सुनिए, चाहे सत्ता क्या करना, सुनिए सुनिए, चाहे कांग्रेस पावर में रहो या BJP पावर में रहिए, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अगर किसी से हुआ है तो मुसलमान से, दलित से हुआ है, आदिवासियों से, इन दोनों पार्टियों ने किया है। तारीख है, हमारी हिस्ट्री है कि कितने जेलों में सड़ गए। UAPA का इस्तेमाल किस पर होता है, पोटा का इस्तेमाल किस पर हुआ, टाडा का इस्तेमाल किस पर हुआ, मुसलमान दलित आदिवासी पर हुआ, और तमाम मिसकैरेज जस्टिस है, कंप्लीट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अगर किसी से हो रहा है तो इन तीन कम्युनिटीज से हो रहा है, ये दोनों पार्टी जो पावर में रहते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। डेढ़ डेढ़ साल, तीन तीन साल, चार चार साल जेल में और बरी हो जाते हैं, क्या BJP के 6.5 साल में इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कानून को गलत इस्तेमाल किया, जेलों में डाल दिया, और 4 साल 5 साल के बाद बरी हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, कोई सजा देने वाला नहीं है उन पुलिस ऑफिसर्स को। सर, क्या करना चाहिए सर, मतलब आप अभी क्या करना चाहिए, कैसा कानून में तरमीम करिए कि जो कोई भी गलत तरीके से किसी पर झूठा केस डालेगा तो उस पर भी सजा होगी, उसको ऑफिसर पर या जो भी प्रोसिक्यूशन करेगा। क्या बात है, आप बताइए, 5-5 साल 6-6 साल आप जेल में रहेंगे और जब निकलते हैं उसके बाद केस खत्म, कोई पूछने वाला नहीं है। एक लड़का 8-9 साल राजस्थान में जेल में था, जाकर अपनी अम्मा की खबर पर रोता है कि अम्मा तुम आज मेरे सामने नहीं है, क्या हो रहा है ये? तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस डेफिनेटली हो रहा है, और इसी तरह के कानून जब आप बनाएंगे तो कानून आप बना देते, बुक कर देते और जेल में उनको डाल देते, सड़ा देते वहां पर, और 8-9 साल के बाद बरी होते। सर, मालेगांव ब्लास्ट केस में योगी जी ने कहा कि जो हिंदू संगठन लोग हैं, हिंदू लोगों को टारगेट किया गया और कांग्रेस इसकी माफी, किसने कहा? योगी आदित्यनाथ। देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत डेमोलिशन हुआ, एक कन्विक्शन नहीं हुआ, मोदी सरकार अपील नहीं करती। मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 7 लोग मारे गए, उसके खिलाफ अपील नहीं करती। समझौता ट्रेन ब्लास्ट हुआ, कौन किया नहीं मालूम, अपील नहीं करते। तो ना बाबरी मस्जिद किसने शहीद किया वो नहीं मालूम, ना मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया किसी को नहीं मालूम, समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम। मालेगांव में 2006 में खब्रस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 48 लोगों की मौत हुई। 2008 में यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, दोबारा 8 लोगों की मौत हुई। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस खत्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव, मालेगांव 2006 किसमें किया, 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा? मालेगांव 2008 में 8 लोग मौत हुई, कौन किया? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है? मुंबई में 92 के ब्लास्ट में एक मारुति वैन थी एक लेडी की, वो वैन के ऊपर उसको सजा हो गई, तो इस पर सजा नहीं हो सकती क्या? अब ये तो बताना पड़ेगा सरकार को, क्या ये सरकार मरने वालों जो मौतें हुई है उनको इंसाफ दिलाएगी नहीं दिलाएगी? आप तो खामोश बैठे हुए हैं, ये तो सरकार का काम है, सरकार तय खून दे। जो लोग मर गए मालेगांव में, जो लोग मरे हैदराबाद में, जो समझौता ब्लास्ट में मरे, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है?
क्या मैसेज दिया जा रहा है उनको? सर यूपी में कैश टनल मिला है, कहीं ट्रंक्स भर भर के कैश मिला है, उस पर आपका क्या कहना है? रेड्स चल रहे हैं यूपी। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर? डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी, 500 गई, 2000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहां तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है 180 करोड़ रुपये, जिसमें 2000 की नोटे भी हैं यूपी प्रदेश में। ठोक दो के बावजूद भी इतना पैसा निकल रहा है। डिमोनेटाइजेशन शुरू दिन से हम कहते नाकाम साबित है, नाकाम साबित होगा, इतना नोट आया वहां पर। और ये पता चलाना चाहिए कि आखिर ये इतना पैसा है किसका, सरकार बता दे। इसकी खुशबू तो पूरे भारत में फैल रही है।